देखे हैं सर अभी तक प्रॉब्लम? शहर में हम लोग होम डिलीवरी सिस्टम चालू कर रहे हैं, जिससे जो भी लोगों को जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, चाहे वो राशन का हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे फल फूल ये सब हो, वो होम में मिल सके। इसके लिए हमने पूरा नोटिफाई कर लिया है वेंडर्स को जो जो वो करेंगे, और उसका हम पूरे शहर में पैम्पलेट भी चिपका रहे हैं फ़ोन नंबर सहित। साथ ही जितने भी हमारे ठेला वेंडर्स हैं जो फल फूल उपलब्ध करा सकते हैं, उनको हमने गलियों में भिजवाना भी चालू कर दिया है। और जो हमारे जितने भी गरीब और वंचित लोग हैं या बाहर से कोई रुक गया, उनको हम खाना खिलवा रहे हैं। अभी MNSM जो कॉलेज है उसमें खाना चालू है, अभी वहीं से हम लोग कोऑर्डिनेट करवा के आ रहे हैं। और जितने भी हमारे रैन बसेरे हैं उसमें भी खाने का व्यवस्था चालू हो गई है। और जगह जगह चूना ब्लीचिंग पाउडर भी आप देख रहे हैं, सब जगह हम लोग ने छिटवा रखा है। सफाई पे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और पूरे प्रयास रहते हैं कि संक्रमण कम से कम फैले शहर में। सर लोगों का सहयोग मिल रहा है पूरा? लोगों का बहुत पूर्ण सहयोग मिल रहा है लॉकडाउन में। जगह जगह लोग अपने घरों में हैं और मैं आशा करता हूँ इसी तरह से हमें सहयोग मिलता रहेगा तो इस बीमारी को हम लोग जल्द से जल्द कंटेन कर पाएंगे। कोई व्यक्ति बिना कार्य के बाहर ना निकले, यदि खाने पीने के सामान दवा अत्यावश्यक है तो ही निकले, अन्यथा आप पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, साथ में आपसे जुर्माना भी दिया जाएगा। यह अनुरोध है कि घर से बाहर ना निकले। भारत में लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले।